सीधे चलेंगे जींद, जहां अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा कर दी। कारगिल के युद्ध के समय से 73 टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश सरकारी आई गई, मगर फैसला नहीं कर पाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं को एकीकृत करने के लिए, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए युद्ध के समय पर तीनों सेनाएं एक अंग बनकर दुश्मन के दांत इकट्ठे करे, इसलिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत थी। मगर बाकी सरकारें नहीं कर पाई। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी, कई देश को जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलेगा। मैं मानता हूं इससे हमारी रक्षा क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगा। थलसेना, नौसेना और जल सेना अलग अलग काम करते हैं तो उसकी अलग अलग शक्ति तो होती है, मगर एक ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में तीनों सेनाएं एक अंग बनकर काम करेगी, एक दुश्मन के लिए व्रत से कम नहीं होगी। व्रत का आघात सहन करने की किसी दुश्मन में ताकत नहीं होगी। मित्रों, 75 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के हर किसान को, गत टर्म के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए करा था, अब छोटे मध्य बड़े सभी किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारे देश के छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, रिटेल ट्रेडर, कभी उनके लिए कोई सरकार उन्हें नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी सरकार ने यही 75 दिन के अंदर उनकी पेंशन योजना को मंजूरी देकर किसान और व्यापारी, छोटा व्यापारी दोनों के बजाय चिंता करने का काम किया है। सरकार के शपथ के साथ ही जल मंत्री, जल मंत्रालय का गठन किया। पानी पीने से लेकर किसान के खेत तक सब जगह पानी की हम जरूरत महसूस करें। कई हिस्सों में ज्यादा पानी है, कई हिस्सों में पानी की कमी है। ये जल मंत्रालय सभी प्रकार के पानी के मैनेजमेंट का चिंता करेगा। उन नदियों को जोड़ने का भी काम करेगा, वो किसानों को माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में भी ले जाएगा, वो बारिश के पानी को रोकने का भी काम करेगा, वो पानी कम खर्च करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेगा, वो स्कूलों के अंदर स्वच्छ पानी मिले, हर घर के अंदर नल से पानी मिले, 5 साल के अंदर इसकी भी चिंता एक जल शक्ति मंत्रालय करा होगा। और ग्रामीण भारत के अंदर 25 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में करने का फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मछली पालन के लिए बहुत बड़े पैसे लेकर एक अलग विभाग गठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ किया है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को साधुवाद देने के लिए आया हूं, बधाई देने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हरियाणा जमीनों के व्यापार के लिए जाना जाता था, जो हरियाणा की सरकारें पिंजरों के हाथ की कठपुतलियां बनी थी, जो हरियाणा की सरकार में नौकरी एक व्यवसाय बन गया था, लेन देन का पैसा बन गया था, मनोहर लाल खट्टर ने एक ही कम के अंदर हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को फुटकाल बनाने का काम किया। मनोहर लाल जी, हम तो आपको कब से जानते थे, आप कुशल संगठक थे, पार्टी के अंदर संगठन बनाने वाले व्यक्ति की आपकी छवि थी, मगर आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आपने भ्रष्टाचार भी साधन।
राजनीति कैसा हो सकता है वो दुनिया को दिखाकर हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर गौरव के साथ दिया जाए ऐसा करने का काम है। हरियाणा जो जातिवाद से ग्रसित था, एक आता था तो एक जाति की बात करता था, दूसरा आता था तो जातियों के समूह की बात करता था। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसे आए, रामलाल जाने के बाद हमारा लाल आया और ऐसा आया कि इसमें जातिवाद को समाप्त कर देगा। नौकरियां जाति देखकर नहीं दी जाती, विकास जाति देखकर नहीं किया जाता। हर गांव के अंदर विकास पहुंचे, हर योग्य व्यक्ति को नौकरी मिले, जाति के बगैर, भ्रष्टाचार के बगैर आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को घर में अपॉइंटमेंट लेकर देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया। ट्रांसफर इंडस्ट्री चली थी, ट्रांसफर करने के लिए लेन देन होते थे, कंप्यूटर के आधार पर, योग्यता के आधार पर ट्रांसफर कराकर मनोहर लाल जी ने हरियाणा के सभी लोगों को एक राहत का बल दे। मुझे याद है मुख्यमंत्री बनने के बाद एक साल में आया था, सारे विधायक और पदाधिकारियों ने मुझे पकड़ा था कि हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं होते। मैंने कहा था कि मनोहर लाल जी आप हौसला रखिए, जो लायक है उसका ट्रांसफर होने चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता अपने परिवार की बात करते हैं, भाजपा ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझना चाहिए और मनोहर लाल जी ने इसी तरह केवल मुक्त राज्य। मैं गुजरात से आता हूं, आज भी पूरा गुजरात केरोसिन मुक्त राज्य ने हुआ है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका और एडमिनिस्ट्रेशन के हर मायने में बहुत अच्छे काम। महिलाओं के पुरुषाने जब खट्टर सरकार बनी तो थे 800 से बढ़कर 31 महिलाओं के पुलिस थाने बने, महिलाओं के लिए 32 सेवाएं एक भी नहीं थी। आज 181 रूप सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए काम करने का काम मनोहर लाल खट्टर। बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ लिंग अनुपात 871 पर था, देश में सबसे नीचे था। 5 साल के अंदर लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 918 बने हैं, देश में सबसे ऊपर बड़े मैदानी राष्ट्रों में हरियाणा। मित्रों ऑनलाइन ट्रांसफर शून्य थी, आज 65,000 लोगों की ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुकी है। आशा वर्कर को 500 रुपया मिलता था, आज 4,000 रुपया मिलता है। आंगनबाड़ी सहायक को 3500 मिलता था, 10,286 खट्टर सरकार देती है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी 10,000 रुपया देती है और सही और परिवारों की मदद के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक बल के परिवार को 20,00,000 रुपया मिलता था। ये वीरभूमि के मुख्यमंत्री ने 20,00,000 को बढ़ाकर 50,00,000 रुपये तक शहीद के सम्मान के लिए प्रति व्यक्ति आए। जो राज्य कैसा चलता है उसकी झोटक होती है। पहले प्रति व्यक्ति आए 1,45,000 रुपया थी और आज 1,35,000 से बढ़कर 2,26,644 रुपया करने का काम मनोहर खट्टर की सरकार। हरियाणा के अंदर 24 घंटा बिजली स्वप्न थी, आज 8 जिले और 4,000 गांव में 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी। मित्रों किसान को गन्ने गेहूं बाजरा सूरजमुखी लगभग 200 गुना समर्थन मूल्य देने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया। प्रति व्यक्ति दूध की खपत जो सूप को दर्शाती है, पहले 747 ग्राम था, अब 1 लीटर से ज्यादा 25% की बढ़ोतरी मनोहर लाल खट्टर।
पैसा सिर्फ बिजली पर चर्चा करने का काम मनोप्रकाश नीचे आपने मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनाई और ऊपर मोदी जी की सरकार बनाई और मोदी जी का हरियाणा के लिए जो प्यार है वो कोई छिपा प्यार नहीं है। मोदी जी हरियाणा को अपना राज्य मानते हैं, हरियाणा के विकास। मैं जिस चीज की बात करता हूँ, चौधरी का ध्यान रखे है, चौसठ फूट का दीन बंधु छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हिसार के अंदर बहुत जल्दी एविएशन सेवाएं एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है और हिसार भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो, इस तरह से 200 करोड़ के निवेश के साथ हिसार एयरपोर्ट को बनाए। 35 किलोमीटर लंबी 3 हाथ की रेल लाइन और 900 करोड़ रुपया उस पर लगाया। जींद रिंग रोड बाईपास का निर्माण पूरा होने वाला है जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ, ये 3 साल के अंदर पूरा होगा। जींद से सोनीपत तक ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। 509 करोड़ की लागत से पुराने सोनीपत जींद तक जुड़ी हाईवे को फोरलाइन करने का काम भी हाथ से ले लिया है। जींद से पानीपत और जींद से दिल्ली रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी शुरू हो चुका है। एक ही साल के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन समाप्त हो जाए। जींद से बठिंडा तक